गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को डिस्कस किया था। सो गाइस, आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सो दैट द मोमेंटल एलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्टिक प्लेट इज, यानी कि हमको ये दिखाना है कि किसी भी इलिप्टिक प्लेट के सेंटर पर मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया, मोमेंटल एलिप्सॉइड। सो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोमेंटल एलिप्सॉइड को बताना चाहता हूँ। सो मोमेंटल एलिप्सॉइड क्या होता है आपका? इफ़ ए बी सी आर द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिगिड बॉडी अबाउट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एंड डी ई एफ आर द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिगिड बॉडी अबाउट वाई जेड एक्सिस, जेड एक्स एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर किसी रिगिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के अबाउट ए बी सी है और डी ई एफ क्या है उनका, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, देन इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड ऑफ द रिगिड बॉडी इज गिविन वाई। सो उस बॉडी के मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन कैसे दी जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस टू डी वाई जेड माइनस टू ई जेड एक्स माइनस टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो तो ए बी सी डी ई एफ आपकी छः अननोन क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग किसी भी रिगिड बॉडी के मोमेंटल एलिप्सॉइड को फाइंड आउट कर लेंगे। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट विच द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी टू एक्सिस इज ज़ीरो इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब किन्हीं भी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का वो सेट जिसमें अगर हम लोग किन्हीं भी दो एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालें और अगर वो जीरो मिल रहा है सो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाएंगी वो एक्सिस। ठीक है, अब जब हम लोग बोल चुके हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है उसको जीरो कर देंगे, वाई जेड एक्सिस के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है उसको जीरो कर देंगे और जेड एक्स एक्सिस के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि एफ भी जीरो हो जाएगा, डी भी जीरो हो जाएगा और ई भी जीरो हो जाएगा। सो अगर इस इक्वेशन में डी ई एफ की जगह पर जीरो रख दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देख लो आप लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब अगर किसी बॉडी में हम लोग जो एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस है सो उसके लिए मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन ये होगी और अदरवाइज आपकी मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस, हमें इस इलिप्टिक लेमिना का मोमेंटल एलिप्सॉइड फाइंड आउट करना है इसके सेंटर ओ के अबाउट। सो आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ की है और ये मैंने जेड एक्सिस ड्रॉ किया। ये जेड एक्सिस क्या है आपका, प्लेन पेपर के ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर की साइड। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंसीडर एन इलिप्टिक प्लेन, हमने एक इलिप्टिक प्लेन कंसीडर कर लिया है। ओ एक्स एंड ओ वाई टेक इन मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड एक्सिस ओ जेड विल बी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, ओ जेड एक्सिस को मैंने ओ एक्स और ओ वाई के परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया है। फिर वी हैव टू फाइंड मोमेंटल एलिप्सॉइड अबाउट ओ, हमें ओ के अबाउट मोमेंटल एलिप्सॉइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन, हम लोग जानते हैं तो मैंने वो लिखा हुआ है। सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड फॉर रिगिड बॉडी, यही हमारी क्या होती थी, इक्वेशन होती थी मोमेंटल एलिप्सॉइड की किसी भी रिगिड बॉडी की, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब आप लोग जानते हो यहाँ पे ए बी सी एफ ई डी इन सब की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में ला के रखेंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। क्या लिखा है, वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक लेमिना अबाउट मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी कि ओ एक्स, और जो ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, 1/4 एम बी स्क्वायर। इसका प्रूफ मैं पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूँ। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक लेमिना अबाउट माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस यानी कि ओ वाई, ओ वाई वाले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 एम ए स्क्वायर। इसका भी मैं प्रूफ करा चुका हूँ। फिर थर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक लेमिना अबाउट ओ जेड एक्सिस, यानी कि किसी भी इलिप्टिक लेमिना के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, वो ये होता था, और इसको भी मैं पिछले लेक्चर्स में प्रूफ करा चुका हूँ। ठीक है, सो ए बी सी की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अब चूंकि अगर आप लोग इस इलिप्टिक लेमिना को देखो तो इसके सी जी की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यही तो होंगे ओरिजिन पर। तो जब इसका जो सी जी है वो इस ओरिजिन पर ही है सो ये जो मेरी एक्सिस होंगी ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में कंसीडर करूँगा और जब प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में कंसीडर करूँगा तो इन एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है।
सिंस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड टेकिन एज द प्रिंसिपल एक्सिस सो इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई जेड एक्स एंड वाई जेड मस्ट बी ज़ीरो दैट इज एफ की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी ई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और डी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी सो फाइनली हमें ए बी सी डी ई एफ इन सब की वैल्यूज़ मिल गई है अब इन सारी वैल्यूज़ को उठा करके मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूँगा और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा यूजिंग दीज वैल्यू ए बी सी डी ई एंड एफ इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट सो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने इन सब वैल्यूज़ को रख दिया है सो मुझे क्या मिला ए की जगह पर मैंने क्या रखा है 1/4 एम बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका पहले से था सो आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा ठीक है प्लस 1/4 एम ए स्क्वायर ये मैंने बी की जगह पर रखा है वाई स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा प्लस 1/4 एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मैंने सी की जगह पर रखा है और जेड स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा और एफ ई और डी की जगह पर जब जीरो रखेंगे तो ये तीनों टर्म मेरे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि मेरे लास्ट के तीनों टर्म क्या हो गए जीरो हो गए सो अब मैं स्टार्टिंग की तीन टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ सो एम बाई फोर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे ही हो गया एम बाई फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एम बाई फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो अगर आप लोग देखो तीनों टर्म में एम बाई फोर कॉमन आ रहा है सो मैं उसको बाहर निकाल लूँगा सो मैंने अगली स्टेप में वही किया एम बाई फोर सो यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो इस रिजल्ट में एम बाई फोर एक्स्ट्रा आ रहा है सो मैं क्या करूँगा एम का डिवाइड करूँगा और फोर का प्रोडक्ट कर दूंगा तो एम बाई फोर हमारा हट जाएगा और एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या आ रहा है ए स्क्वायर सो मुझे बी स्क्वायर को हटाना है यानी कि मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तभी मुझे ए स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में मिल जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इसी तरीके से मैं ये सब इसमें भी हमारे टर्म ऑलरेडी बन जाएंगे सो मैंने वही लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग बोथ दीज साइड्स वाई फोर वाई एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी गेट यानी कि इस इक्वेशन में मैंने दोनों साइड में फोर बाई एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या कर दिया है प्रोडक्ट कर दिया है सो अब आप देखिए फोर बाई एम से एम बाई फोर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा अब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा इसी तरीके से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भी क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा और जेड स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा और कॉन्स्टेंट में भी मैंने क्या कर दिया फोर अपॉन एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या कर दिया प्रोडक्ट कर दिया है क्योंकि वाई हम लोग दोनों साइड कर रहे हैं ठीक है अब क्या होगा इस बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बच गया इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बच गया प्लस ए स्क्वायर के डिवाइड में जब इन दोनों टर्म को करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा क्या वन अपॉन बी स्क्वायर इसी तरीके जब इसके डिवाइड में इन दोनों टर्म को करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट सो क्या बचा वन अपॉन ए स्क्वायर और इन टू जेड स्क्वायर और भाई कॉन्स्टेंट में एक कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू ही मिलेगी सो इसको मैंने पूरे को कॉन्स्टेंट लिख दिया यही हमको प्रूफ करना था ठीक है यही हमारा क्या है मोमेंटल एलिप्सॉइड है किसी भी इलिप्टिक लेमिना का उसके सेंटर ओके अबाउट ठीक है।